चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इमरान खान के हक में बयान, जमान पार्क और बनी गाला की रौनकें बहाल, समी इब्राहिम ने बड़ा दावा कर दिया। अपने एक वीडियो पैगाम में सीनियर सहाफी समी इब्राहिम ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हर नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे और पार्टी के नजरियाती लोगों को अहमियत दी जाएगी, उन लोगों को आगे लाया जाएगा जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे और तमाम मुसीबतें बर्दाश्त करते रहे। समी इब्राहिम ने मजीद कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब कहा कि वो इमरान खान की बहुत इज्जत और एहतराम करते हैं और बैलेट पेपर पर बल्ला इंतखाबी निशान के तौर पर मौजूद होगा, तो उनके इस बयान के बाद तहरीक इंसाफ में कारकुनों की बहुत हौसला अफजाई हुई है और जमान पार्क बनी गाला में लोगों की आमदो रफ्त शुरू हो गई है और तहरीक इंसाफ के वकला मुतहर्रिक हो गए हैं और कारकुन भी मुतहर्रिक हो रहे हैं। इमरान खान की तरफ से भी हिदायत आई है कि लोग कॉर्नर मीटिंग्स करें, वर्कर्स मीटिंग करें और घरों में जाएं और जलसों का बंदोबस्त करें। समी इब्राहिम ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि ऐसे लोगों को इलेक्शन में उतारा जाए जो मुसीबत और बुरे वक्त में खड़े हो सकते हों और खवातीन को इलेक्शन टिकट देने के आइडिया को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। जिस तरह उस्मान डार पार्टी से अलहदा हो गए लेकिन उनकी वालिदा ने कहा है कि वो इलेक्शन लड़ेंगी।